वह सामाजिक समुदाय है। ठीक है, लिखेंगे सारे के सारे, पढ़ने पर ध्यान देंगे। जनजाति वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था, जो राज्य के विकास के पूर्व, जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था। ठीक है, सुन लो ध्यान से सारे के सारे, पढ़ने पर ध्यान देंगे। ठीक है कीर्ति, जो अब भी, या जो अभी राज्य की मुख्य धारा से अलग थलग है, या ये कह सकते हैं जो अब भी, या जो अब भी राज्य की मुख्य धारा से अलग थलग है। मुख्य धारा से अलग थलग है, ठीक है, ये अच्छे से याद रखोगे, अलग थलग है। जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए ठीक है, सारा अच्छे से लिखेंगे। जनजाति भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक पद है। ठीक है, एक वैधानिक पद है। भारत के कुछ प्रमुख जनजातीय समुदाय, नया टॉपिक डालो। भारत के कुछ प्रमुख जनजातीय समुदाय, देखो आपको कुछ नहीं करना है। जनजाति वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था, और या जो अभी राज्य की मुख्य धारा से अलग थलग है। अलग अलग ये तो रहते हैं, और जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक पद है। मैं बताऊं, उत्तराखंड है मेरा, तो तुम्हें बताइए उत्तराखंड में रहती हूं मैं, आप क्या ऋषि मैडम, ठीक है ना। अब देखो, अच्छा तुम्हें पता है आपको, तो ऐसे करो जिस बुक में ज्यादा बड़ा बड़ा लिखा ना उसमें पढ़ लो जाके, दिमाग वाग ठीक है आपका या नहीं है। मेरी बात सुनो, तो जनजाति बाकी भी बहुत अलग थलग रहते हैं, और कोई लाइट वाइट से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लाइट वाइट का भी कोई सिस्टम नहीं होता वहां पे, उनके पास शक्ल भी अजीब से जाती है, क्योंकि क्रीम पाउडर भी नहीं मिलता। आजकल की लड़कियां तो बिना क्रीम पाउडर लगाए रह नहीं सकती, है ना, नहीं रहा जाता भैया हमसे, तो नहीं रहा जाता। मतलब सारी लड़कियां ऐसी हैं कि हम अगर मैं क्लास लेने आ रही हूं या कोई आ रही, तो भैया पहले तो थोड़ा सा अपनी अपने आपको देखेंगे, हाँ शीशे में अच्छे लग रहे हैं, लग रहे ओहो आज हमने क्रीम कम लगाई, थोड़ी लगा लीजिए। लेकिन पता है वहां पे ना, मैं हम गए थे ना, तो वहां कोई नहीं मतलब किसी को पता है, उनकी शक्ल भी ना बिना क्रीम पाउडर के वो रहते हैं तो ऐसी है, और दांत पीले पीले, और शक्ल के जो नक्शे हैं वो भी चेंज है। तो हम गए और देखा था, जो वहां पे पहाड़ों में पानी चल रहा था ना, उसी को पानी भर भर के यूज कर रहे, उसी से बर्तन धो रहे, उसी से नहा रहे, और मतलब नहाने के लिए पानी भर रहे। मतलब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, और उनकी उनकी जो लैंग्वेज है ना उत्तराखंड वाली जनजाति, कुछ समझ नहीं आती हमें, बट डैडी ना हमें ऐसे घुमाने लगे थे कि एक ना वहां मोरघट्टी नाम की जगह है, मोरघट्टी बोलते हैं उसे। तो डैडी ने कहा चलो मैं तुम्हें कालागढ़ की तरफ वहां दिखाने चल रहा हूं, और जो हम बाकी उन ट्राइब से मिले ना, ओ भाई साहब, हम कह रहे ओहो, और ना वही कहते जैसे शेर, हम तो उनकी बातें समझ नहीं पा रहे थे, हमने कहा शेर वेरा जाता है तो रात में कैसे करते हो, तो पता है। और उन्होंने मिट्टी नहीं होती मिट्टी, वो गोबर के घर बना रखे थे उन्होंने, अच्छे से घर तो गोबर की बने, मतलब लीप रखे थे उन्होंने, और यूँ कहते अपनी भाषा बोल रहे थे कि ये रखा टीन ऐसे ऐसे करते हैं तो वो चले जाते हैं पूरी रात, मतलब ऐसे करके ना, मतलब यार उन्हें हम सच्ची, मैं तो जनजाति में देख के आई हूँ कैसे रहते हैं वो, सही में जनजाति देख के आई हूँ कैसे हंसने लगे तुम।